अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा की मासिक बैठक अंबेडकर पार्क में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश अनुसार महानगर मुरादाबाद में कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिसमें सत्यम राही को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया और अशोक वाल्मीकि को महानगर अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। बैठक में मंडल अध्यक्ष आनंद राही ने सभी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि किस प्रकार से संगठन की बागडोर को आगे तक ले जाना है और समाज के कार्यों में अपना योगदान देना है। कहा गया कि अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठित करके उनके साथ एक छत के नीचे एक ही विचारधारा के साथ काम करना है। इस मासिक बैठक में लगभग 80 लोगों ने अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा की सदस्यता ग्रहण की और शिक्षा एवं रोजगार को बढ़ाने का संकल्प लिया। सभा की अध्यक्षता विजय वीर वाल्मीकि एवं संचालन जिला अध्यक्ष सत्यपाल वाल्मीकि ने किया। इस मौके पर सत्यम राही, सुनील पाल, अशोक वाल्मीकि, जे किशोर, सुनील, आनंद राही, अमित, सिद्धांत, आदेश, मनोज, विनेश, जसवीर, सूरज आदि लोग मौजूद रहे। सत्यपाल वाल्मीकि जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा मुरादाबाद। आज हमारा एक सम्मान समारोह और हमारे जो पदाधिकारी हैं वो नियुक्त हुए हैं। एक तो हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सत्यम राही जी को बनाया गया है प्रदेश अध्यक्ष द्वारा, उनको आज हमने लेटर दिया है यहीं अम्बेडकर पार्क में। प्लस हमारे अशोक कुमार वाल्मीकि जी महानगर अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, उनको भी आज हमने यहीं लेटर दिया है। और हमारा जो संगठन है शिक्षा और रोजगार पर काम करता है, जो हमारे कुचले दबे व्यक्ति होते हैं उनको साथ मिलकर काम करते हैं और अपने संगठन को मजबूती से अपना प्रयास कर रहे हैं लगातार। क्या उम्मीदें रहेंगी नई टीम से, जो नई टीम आपके सामने है? नई टीम से हमें आशा नहीं, थोड़ा विश्वास भी है कि अपने संगठन को अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा को मजबूती से के साथ हम लोग भी कंधे से कंधा मिला करके अपनी महानगर की टीम के साथ लगातार चलेंगे। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यपाल वाल्मीकि है, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय।